जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। ये जो औपचारिक राजपक्ष गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उसमें किसी किस्म का कोई विघ्न, कोई उसमें डिसरप्शन, कोई उसके अंदर गड़बड़ी बिल्कुल नहीं डाली जाएगी। किसी राष्ट्रीय स्मारक या प्रतीक पर हमला, कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं होगी। इसी बीच किसान आंदोलन से जुड़े कई किसान नेताओं, पंजाब के पत्रकारों समेत एक दर्जन से ज्यादा लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए हैं। ये पूछताछ खालिस्तानी नेता गुरु पतवंत सिंह पन्नू और सिख फॉर जस्टिस संगठन के खिलाफ दर्ज केस के मामले में होनी है। आरोप है कि इनके जरिए विदेशों से किसान आंदोलन में पैसा आ रहा है और सिख युवाओं को हिंसा के लिए भड़काया जा रहा है। एनआईए ने बीते साल 15 दिसंबर को इसे लेकर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा और पंजाबी गायक दीप सिंह संधू को भी पूछताछ के लिए नोटिस मिला है। एनआईए वालों जड़े ने वो सानू नोटिस भेजे गए ने। असि इस गल तो बड़े हैरान हाँ कि ये जड़े नोटिस ने एक किस कारण आए। इस चीज का जो पता लगा तो असि इतने पहुंचाया गया सरकार वालों साढ़े लोगों के उत्ते एक दबाव पाने वास्ते जेडे कि असी एक खेती विरोधी जेडे कानून बनाए गए सन उन्होंने विरुद्ध लंबे समय तो एजिटेशन कर रहे हैं। मैं हैरान है खालसा एड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें दुनिया भर में सेवा की है। तुसी एक एडी वड्डी ऑर्गेनाइजेशन नू बदनाम करना मैं क्या इन्हों शोभा नहीं दिता। मैं लगता फ्रस्ट्रेशन सेंटर सरकार में फ्रस्ट्रेशन आ गई। इस बीच कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लागू होने पर रोक लगा दी है, इसलिए अब किसान 19 जनवरी को खुले मन से बातचीत करें। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है, तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। नरेंद्र मोदी सरकार साथ में किसानों को समर्पित सरकार है और तीन नए जो अध्यादेश और कानून लेकर मोदी सरकार आई है, कर्नाटक सरकार ने भी कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक गुना बढ़ने वाली। अब कोई किसान मजबूर नहीं है खेती जगह पे अपना ऊपर बेचे, अपने क्रॉप को वो ग्लोबल और पूरे भारत वर्ष के मार्केट में बेच सकता है।